उपवास के साथ ही हरितालिका व्रत का अनुष्ठान कर महिलाओं ने किया पूजा अर्चना। मंदार की माला से जिन पार्वती का केस पास अलंकृत है और मुंडो की माला से जिन शिव का जटा अलंकृत है, ऐसे श्री पार्वती तथा शिव को प्रणाम करता हूँ। इसी कामना को लेकर गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने हरितालिका व्रत का अनुष्ठान कर विधिवत पूजा अर्चना किया। 24 घंटे के उपवास के दौरान महिलाओं ने बालुका मई पार्वती शिव सहित गौरी गणेश की प्रतिमा निर्मित कर पूजा की। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। उन्होंने पूजा के दौरान बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, फल फूल, चंदन, सुहाग सामग्री सहित वस्त्र अर्पण कर धूप दीप के साथ पूजा अर्चना किया। पौराणिक शास्त्रों में इस पर्व को सभी महिलाओं को करने की आज्ञा दी गई है, इसलिए अधिकांश महिलाएं इस व्रत को करती आ रही हैं। इस संदर्भ में आचार्य बद्री विशाल पांडे कहते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं का सौभाग्य के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कुम्हार टोला, ठाकुर टोला, देवी स्थान मंदिर, हनुमान मंदिर के प्रांगण सहित अन्य स्थानों में काफी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ पूजा अर्चना करते देखी गई। प्रदोष काल यानी दिन रात के मिलने का समय संध्या के समय स्नान करके शुद्ध और उज्जवल वस्त्र धारण कर विधि विधान से महिलाओं ने पूजा अर्चना की।